भूमि छाओ गुंडोंग रोग बिग्राम छ हेमस सिंह कहाँ गए न त जो हुन्छ हो मन बन्द गरे धरे मुटा होला न एक गद्दा मर्छ मन बे सुका सगा एक फन समाइन मैलो खम्मा तो दोस्तों यहाँ पर उर्ख्याली को दोबारा रिपेयर किया गया और फिर अब इसकी लीपापोती की जा रही है दादी के द्वारा, आप देख सकते हैं। और इस खेत में आपको मिलेगा लहसुन, ये पूरा लहसुन यहाँ पे लगा रखा है, इस खेत में पूरा लहसुन लगा रखा है। दोस्तों अगर चमोली साइड या आप कहीं बद्रीनाथ साइड जाओगे तो वहाँ आप किसी अलग अलग प्रकार के फूल मिलेंगे, वो फूल दिखने में ही उनकी सुंदरता झलकती है, पर हमारे यहाँ ऐसे ही फूल मिलेंगे आपको। हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग, और आई होप कि आप सभी मित्र जहाँ होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, क्या आपके यहाँ भी ये फूल होता है? और हमारे इसका नाम पुदीना बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आजकल आम की जो खेती है ना वो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, इस टाइम आम ही आम है बिल्कुल यहाँ पे। और कहते हैं कि जब जहाँ ज़्यादा आम होते हैं उस टाइम वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ये कहते हैं जहाँ ज़्यादा आम वहाँ ज़्यादा गर्मी, पानी नहीं है। तो ये देखो ना गोभी, जो पत्ता गोभी वाली होती है उनकी क्या हालत हो रही है, मतलब अभी भी हुए नहीं है, अभी भी इनको टाइम लगेगा होने में, पर फिर भी चलो खाने पीने के लिए तो हो ही जाएंगे, है ना। बाज़ार से लाने से बढ़िया है तो है कि कम से हमने घर में हो रहा है तो कम से कम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से। आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पर हर चीज़ें थोड़ी बहुत हो जाती है मात्रा में। दोस्तों ये है मसूर, आजकल क्या हुआ कि इस टाइम पे बारिश कम हुई थी, नहीं तो अगर एक बारिश और पड़ती तो लोग समेट भी नहीं पाते इसको। और इस पौधे को तो सभी जानते हैं, इसको कहते हैं कड़ी पत्ता, आप लोगों के इधर भी होता होगा ये पौधा। तो दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ, इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहूँगा। आपका प्यार सदैव मेरे साथ यूँ ही बना रहिए। आप लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।